नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पामगढ़ इकबाल गैरेज के सामने मेन रोड में चोरी की मोटरसाइकिल टीवीएस सीजी 11AA9863 में तीन व्यक्ति मिले, जिनमें से मोटरसाइकिल का दस्तावेज मांग की गई, जो कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। आरोपियों ने दीपका क्षेत्र कोरबा के सुने मकान का ताला तोड़कर अपने साथियों के साथ घटना को अंजाम देकर मोटरसाइकिल एवं सोना चांदी के जेवरात और नकदी रकम की चोरी की। उक्त चुराई हुई मोटरसाइकिल को बेचने करने हेतु पामगढ़ आना स्वीकार किया। आरोपी द्वारा सोना के आभूषण, टॉप, बिंदी, झुमका, सुई धागा, फुल्ली अंगूठी कीमती 40,000 रुपए, चांदी के आभूषण, बिछिया कड़क कीमती 12,000 रुपए जुमला जब्त कर 7,70,000 रुपए इन आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी ओपी कुर्रे, एएसआई संतोष शर्मा, सुनील कुमार टैगोर, आरक्षक शिवराय सागर, भागवत श्रीवास, भुवनेश्वर साहू, महेंद्र राज का विशेष योगदान रहा। निखिल कश्यप की रिपोर्ट। सर, आज जो बाइक जो चोरी पकड़ाया है सर, इसमें क्या क्या है सर, बताएंगे? ये आज दिनांक 27/2/22 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पामगढ़ में चोरी की बाइक को बिक्री करने के लिए तीन व्यक्ति संदिग्ध रूप से घूम रहे हैं। उनका बाइक का नंबर CG11A9863 है। सूचना के आधार पर दो साक्षियों के साथ पामगढ़ पुलिस वहां पे जाके सूचना से मेल खाता हुआ बाइक CG11AA5863 में तीन व्यक्तियों को पकड़े। पूछताछ पर उन्होंने बाइक से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। कड़ाई से पूछताछ पर उन्होंने बताया कि 24 तारीख की दरमियानी रात दीपका कोरबा क्षेत्र से सुने मकान का ताला तोड़कर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को वारदात दिए थे, जिसमें ये बाइक, सोना चांदी के आभूषण, नकदी रकम और इस्तेमाली कपड़ों को ले गए थे। उनके से आरोपी फरार हैं और वे अपने बंटवारे में प्राप्त बाइक को बेचने के लिए इधर आए हुए थे। उनके अधिपति से चोरी की बाइक और उनके बंटवारे में प्राप्त सोना चांदी जैसे आभूषणों को जब्त किया गया है और विधिवत तैयार कर। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।